हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ड्रैकुला डेड एंड लविंग इट। मूवी शुरू होती है एक वकील थॉमस को दिखाते हुए जो लंदन से ट्रांसिल्वेनिया आया है एक मीटिंग के लिए। खराब रोड उसे काफी परेशानी दे रही थी, इसीलिए दूसरा पैसेंजर गाड़ी को धीरे करवाने के लिए बाहर जागता है, लेकिन उसकी नजर सूरज पर पड़ती है जो डूब रहा था। इसलिए इन्हें किसी भी हाल में जल्दी पहुंचना होगा, जिस कारण ड्राइवर भी गाड़ी को तेज भगाने लगता है। रास्ते में झटके खा खा कर थॉमस परेशान हो चुका था, लेकिन अब ये गाड़ी डायरेक्ट गाँव में ही रुकेगी। सूरज ढलने से पहले ये सब गाँव पहुँच जाते हैं, लेकिन थॉमस को अभी भी थोड़ा आगे जाना था, लेकिन ड्राइवर कहता है कि अंधेरा हो चुका है, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, यहाँ से तुम्हें पैदल ही जाना होगा। गांव वाले उसे रोक रहे थे, लेकिन उसका वहाँ पर जाना भी जरूरी था, इसलिए थॉमस उनकी बात नहीं सुनता है। थॉमस को कैसल ड्रैकुला जाना था काउंट ड्रैकुला से मिलने, जो एक वैम्पायर है, लेकिन थॉमस ये बात नहीं जानता है। उसकी बात सुनकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं और उसको कहते हैं कि कैसल में वैम्पायर का वास है, यही वजह है कि वो सब सनसेट के बाद बाहर नहीं निकलते। ये सब बातें हो ही रही होती हैं कि तभी एक औरत आकर उसे होली क्रॉस देकर वहाँ से चली जाती है। काफी समझाने के बाद भी वो नहीं समझता है और गांव वालों को बाय बोलकर पैदल ही गांव से निकलकर चला जाता है। जल्द ही थॉमस कैसल पहुंच जाता है, लेकिन ये जगह उसे कहीं से भी मीटिंग प्लेस नहीं लग रही थी। उसके आते ही गेट अपने आप खुल जाता है और पूरे कैसल में जमी हुई धूल और मकड़ी के जाले बता रहे थे कि ये जगह सालों से नहीं खुली है। इसके अंदर आते ही दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। तभी एक आदमी आता है जिसकी परछाई थॉमस पर झपटने वाली होती है, लेकिन वो आदमी उसे रोक देता है। ये है काउंट ड्रैकुला। ड्रैकुला एक लाइन बोलता है, चिल्ड्रन ऑफ द नाइट, और फिर वो अपने विक को उतार देता है। इसने थॉमस को यहाँ पर एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बुलाया है जो इंग्लैंड में है। थॉमस उसके पेपर लेकर आया था जिसकी एक कॉपी वो ड्रैकुला को दे देता है। अब ड्रैकुला उसका ओनर बन गया है और यही वजह है कि वो लोग थॉमस को सेफ रखना चाहते हैं। लेकिन तभी थॉमस को एक खरोच लग जाती है। थॉमस का खून निकलता है, जिस खून को देखकर ड्रैकुला के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। रात को थॉमस आराम से सो रहा होता है कि तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि उसके रूम में दो फीमेल वैम्पायर आ जाती हैं, जो कि ड्रैकुला की वाइफ हैं। अब इससे पहले कि वो थॉमस को काट लेती, ड्रैकुला वहां पर आकर दोनों को भगा देता है। इसके बाद वो थॉमस को यकीन दिलाता है कि ये एक बुरा सपना है, पर थॉमस नहीं मानता है, जिसकी वजह से ड्रैकुला को उसे हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बनाना पड़ता है। अब अगली रात दोनों एक जहाज से इंग्लैंड के लिए निकल जाते हैं, जिसका नाम द डिमेटर था। ड्रैकुला अपने कॉफिन में था, क्योंकि वैम्पायर्स ऐसे ही ट्रैवल करते हैं, लेकिन थॉमस ने कॉफिन को नहीं बांधा था, जिससे समुद्र की लहरें इस ताबूत को अच्छी तरह झुला रही थी और अंदर ड्रैकुला की हालत खराब थी। थॉमस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लहरों के कारण वो खुद भी उसके साथ साथ झूलने लगता है और किसी तरह से वो कॉफिन को बांध देता है। लेकिन तब तक ड्रैकुला की हवा टाइट हो चुकी थी। ड्रैकुला को भूख लगी थी, इसलिए उसने शिप के क्रू मेंबर को मारकर उनका खून पी लिया था। और जब शिप लंदन पहुंचता है, तब पागल थॉमस डेड बॉडी के साथ वहां पर मौजूद होता है, क्योंकि ड्रैकुला तो चमगादड़ बनके उड़ जाता है। और इन सब मर्डर्स का इल्जाम थॉमस पर आ जाता है और इसीलिए उसे एक पागल खाने में डाल दिया जाता है। ड्रैकुला तो पहुंच गया है अपने घर, जहां पर वो अपने नए पड़ोसियों से मिलने जाता है। वहां पर डॉक्टर सेवर्ड, जो उसी पागल खाने के हेड हैं जिसमें थॉमस बंद है, उसकी बेटी मीना, डॉक्टर सेवर्ड का असिस्टेंट और मीना का मंगेतर जोनाथन और उनकी फैमिली फ्रेंड लूसी, यहाँ सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। और पहली ही मुलाकात में ड्रैकुला को लूसी भा जाती है, जबकि दूसरी ओर लूसी का भी यही हाल था। अब उसी रात दोनों एक दूसरे को बालकनी से देख रहे होते हैं। लूसी ने उसे सिग्नल दे दिया था, इसलिए आधी रात को वो एक चमगादड़ में बदल कर फुल स्पीड में लूसी के रूम की तरफ जा रहा होता है। लेकिन ठंड की वजह से लूसी अपनी खिड़की को बंद कर देती है, जिस वजह से ड्रैकुला उसे टकरा जाता है। पर फिर भी वो हिम्मत ना हारते हुए खिड़की के रास्ते से अंदर घुस जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर सीवर्ड और जोनाथन आ जाते हैं, क्योंकि ड्रैकुला के गिरने की आवाज उन्हें भी आ गई थी। वो पूरे रूम को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है, क्योंकि ड्रैकुला तो छत पर चिपका हुआ था। और जाते हुए डॉक्टर जोर से दरवाजा बंद कर देते हैं, जिस वजह से ड्रैकुला नीचे गिर जाता है। लूसी उसे देखकर डर जाती है, पर वो ड्रैकुला को नहीं देख पाती है। अब ड्रैकुला लूसी का खून चूसना शुरू करता है। उधर थॉमस, जो उसी पागल खाने में बंद है, अब पूरी तरह से पागल हो गया है। अब उसकी पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी। पर डॉक्टर उसे चाय पर बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी भरोसा है कि थॉमस उनकी बातों को समझ सकता है। लेकिन उसकी हरकतें देखकर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि खाने को छोड़कर वो सभी कीड़ों को खा रहा होता है। डॉक्टर के पूछने पर पहले तो वो मना करता है, लेकिन डॉक्टर ने बड़ी आसानी से उसे पकड़ लिया
दिया क्योंकि एक कीड़े की टांग उसके मुंह से निकल रही थी। डॉक्टर उसे काफी समझाता है लेकिन अब वो नहीं समझेगा। डॉक्टर के सामने ही वो एक कीड़े के पीछे पड़ जाता है जिसको देख मजबूरन डॉक्टर को फिर से उसे एक बार पागलखाने में बंद करना पड़ता है। इधर लूसी की हालत खराब थी क्योंकि ड्रैकुला ने उसका आधा खून चूस लिया था, लेकिन इनमें से कोई भी ये बात नहीं जानता था कि उसके गले पर ड्रैकुला के काटने के निशान भी हैं। लूसी की हालत उनकी समझ से बाहर थी, इसलिए डॉक्टर ने प्रोफेसर वेन हेल्सिंग को अपने पास बुला लिया था क्योंकि वो इस तरह के केसेस में एक्सपर्ट है। हेल्सिंग अपने कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स को ऑटोप्सी सिखा रहा था और उसके स्टूडेंट्स को उस पर पूरा भरोसा था कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन क्लास स्टार्ट होते ही आधे तो गिर ही गए और जो बचे वो भी बेहोश हो गए। पर तभी नर्स डॉक्टर का लेटर लेकर वहाँ पर आती है और अब ये उनकी मदद के लिए वहाँ पर जाएगा। इधर ड्रैकुला भी जाग जाता है पर सूरज की रोशनी उसको जला नहीं रही थी। उसको ये लगता है कि शायद ये लूसी के खून का असर है। चेक करने के लिए वो बाहर गार्डन में जाता है और वाइन भी पीकर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि खून के अलावा कोई भी चीज वैम्पायर्स के लिए जहर है। जहाँ उसे थॉमस मिलता है यानी वो भी अब फ्री हो गया है। अब वैम्पायर अपनी पावर्स के मजे ले रहा था, लेकिन तभी उसका सूट जलना चालू हो जाता है क्योंकि ये सब उसका एक बुरा सपना है। रियल लाइफ में उसे कोई पावर नहीं मिलती है और अभी आधी रात है। उधर हेल्सिंग लूसी को चेक कर रहा था। उसके गले पर बने निशानों को देखकर वो समझ जाता है कि ये तो एक वैम्पायर का काम है। हेल्सिंग जानता है कि वैम्पायर लूसी का पूरा खून चूसने वापस आएगा, उसे किसी भी तरह रोकना होगा। इसीलिए हेल्सिंग डॉक्टर से कुछ किताबें मंगवाता है जिसे पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि वैम्पायर्स को लहसुन पसंद नहीं है, इसलिए वो लूसी के पूरे रूम को लहसुन से भर देते हैं, लेकिन लूसी को लहसुन के कारण नींद नहीं आती है। हेल्सिंग के मुताबिक ड्रैकुला आज रात में वापस आएगा लेकिन लहसुन की वजह से अंदर नहीं जा पाएगा। पर ड्रैकुला भी काफी चालाक है, इसलिए वो थॉमस को अंदर भेजने का प्लान बनाता है। उसने उसके रूम की लोहे की बार को मोड़ दिया है ताकि वो पाइप से आसानी से नीचे उतर जाए, लेकिन उतरने के बजाय वो सुपरमैन बनने के कारण नीचे गिर जाता है। वो चुपके से लूसी के रूम में घुसकर सभी लहसुन हटा देता है, लेकिन लहसुन से हटकर उसका ध्यान लूसी पर चला जाता है और वो ताका झाकी का कार्यक्रम शुरू कर देता है जिससे लूसी जाग जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं। शोर सुनकर बाकी सब भी अंदर आ जाते हैं जहां थॉमस फिर से पकड़ा जाता है। वो सब उसे वापस पागलखाने भेज देते हैं। पर ड्रैकुला अभी भी बाहर खड़े होकर कुछ सोच रहा होता है। खिड़की दरवाजे बंद करके सब वापस चले जाते हैं और लूसी भी आराम से सो जाती है। पर इस बार ड्रैकुला खिड़की के बाहर खड़े होकर अपना हिप्नोटिज्म लूसी के ऊपर चलाता है जिससे लूसी खुद ब खुद उसके पास आ जाती है और बड़ी शांति से उसे अपना खून पीने देती है। पर तभी मीना बाहर आ जाती है जो उसको देखकर चिल्लाती है, जिसके बाद बाकी सब भी बाहर आते हैं, लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि लूसी मर चुकी है। अगले दिन लूसी का फ्यूनरल होता है, लेकिन हेल्सिंग को अब भी चिंता थी कि कहीं लूसी भी वैम्पायर न बन जाए, इसलिए वो एक वुडन लॉग उसके दिल में घुसाना चाहता था ताकि वो वैम्पायर ना बने, लेकिन डॉक्टर उसके लिए तैयार नहीं होता है। वो बोलता है कि इतने बड़े इंग्लैंड में भला कौन वैम्पायर हो सकता है, और इतना कहते ही ड्रैकुला वहाँ पर पहुँच जाता है। हेल्सिंग को ड्रैकुला पर शक होता है, उन्होंने एक दूसरे का नाम पहले सुना है। हेल्सिंग उससे पूछता है कि क्या तुम ब्लैक टिप्स के वंशज हो। इस बात पर दोनों में काफी तगड़ी बहस चलती है, लेकिन कुछ देर बाद ड्रैकुला वहाँ से चला जाता है। और जब बहस होती है तो हेल्सिंग जान जाता है कि ये वही वैम्पायर है जिसने लूसी का खून चूसा था, क्योंकि जब से ये सामने वाले घर में शिफ्ट हुआ है तब से ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन हेल्सिंग कन्फर्म नहीं था। उधर लूसी का केयर टेकर उसके ताबूत के पास बैठकर अपना गम भुला रहा था, तभी उसे कॉफिन से लूसी की आवाज सुनाई देती है। वो मदद के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन ये तो उसकी एक चाल है क्योंकि वो भी एक वैम्पायर बन चुकी थी। पर फिर भी वो आदमी जल्दी से ताबूत खोलकर देखता है जहाँ पर लूसी सही सलामत लेटी होती है। वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, बदले में लूसी उसे एक लव बाइट देती है, पर उसका केयर टेकर उसकी लव बाइट को सहन नहीं कर पाता है जिससे वो मारा जाता है। और कुछ देर बाद हेल्सिंग भी वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर उसे केयर टेकर की लाश मिल जाती है, जिसको देखकर वो कन्फर्म हो जाता है कि लूसी अब वैम्पायर बन गई है। उधर जोनाथन भी इस बारे में सोच रहा था कि शायद हेल्सिंग सही हो, इसलिए उसे एक बार चेक करना पड़ेगा। वो डॉक्टर से परमिशन लेकर वहाँ के लिए निकल जाता है और वहाँ पहुँचते ही लूसी उसे मिल जाती है जो उसे फंसाने का ट्राई करती है, लेकिन वो नहीं फंसता है, जिस कारण लूसी जबरदस्ती करने लगती है और जोनाथन को काटने की कोशिश
करती है, लेकिन सही समय पर हेलसिंग होली क्रॉस लेकर आता है और जोनाथन को बचा लेता है। लूसी होली क्रॉस से डरकर उसी कॉफिन में जाकर छुप जाती है। ये सही मौका था उसे खत्म करने का। हेलसिंग वुडलॉक और हैमर जोनाथन को पकड़ा देता है, लेकिन उसका मन अभी भी नहीं मान रहा था, जिसको देखकर हेलसिंग कहता है कि अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा है तो हम इसके मुंह में लहसुन भरकर इसका कान भी काट सकते हैं। जिसे सुनकर जोनाथन बोलता है कि पहले वाला आइडिया ही सही है, इसलिए वो काम पर लग जाता है। हेलसिंग पीछे जाकर छुप जाता है क्योंकि वो जानता है कि इस काम में कपड़े गंदे होने वाले हैं। और जैसे ही जोनाथन उस पर हथौड़ा मारता है, एक खून का सैलाब उस पर टूट पड़ता है क्योंकि लूसी ने अभी अभी खून पिया था। इधर ड्रैकुला मीना पर अपने स्किल्स ट्राई कर रहा होता है, लेकिन इस बार वो काम नहीं करती है क्योंकि मीना के साथ उसकी एक मेड भी होती है। दोनों उसकी कमांड को लेकर कंफ्यूज हो रही होती हैं, इसलिए आखिर में उसे खुद अंदर जाना पड़ता है, जहां पर वो उठाने तो मीना को गया था लेकिन गलती से उसकी मेड को उठा लेता है, इसलिए उसे एक बार फिर से अंदर जाना पड़ता है। इधर हेलसिंग और जोनाथन वापस आ गए थे। डॉक्टर उन्हें देखकर परेशान हो जाता है। उधर ड्रैकुला मीना को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसके साथ काफी देर डांस करने के बाद वो उसे काट लेता है क्योंकि ड्रैकुला मीना को अपनी बीवी बनाना चाहता है। उधर अब सुबह हो जाती है, जहां पर जोनाथन मीना को चेक करने के लिए मीना के कमरे में आता है। वहां मीना और उसकी सोती हुई मेड दोनों थी। मीना अपनी मेड को वहां से भेज देती है क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम करना था। अब वो जोनाथन को काफी उकसाने की कोशिश करती है, लेकिन जोनाथन नहीं मानता है। वो ट्राई करती रहती है और इतने में वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है, जिसे देखकर मीना एकदम पार्टी बदल लेती है और देखने से ऐसा लगता है जैसे जोनाथन उससे जबरदस्ती कर रहा था। डॉक्टर जोनाथन पर काफी गुस्सा करता है। तभी हेलसिंग वहाँ पर आ जाता है। जोनाथन उसको बताता है कि मीना में कुछ तो गड़बड़ है, मानो वो किसी के वश में हो। इसे सुनते हेलसिंग सब कुछ समझ जाता है और मीना का दुपट्टा हटाकर देखता है। वहाँ उसके गले में वैम्पायर के बाइट के निशान थे, जिससे सब कुछ क्लियर हो गया। मीना बहाने बनाने लगती है, पर हेलसिंग सब जानता है। वो एक होली क्रॉस उसके हाथ पर रख देता है, जिससे मीना तुरंत ही बेहोश हो जाती है। साथ ही उसके हाथ की स्किन भी जल जाती है, मतलब कि वो भी एक वैम्पायर का शिकार है। उन्हें अब जल्द से जल्द वैम्पायर को ढूंढना पड़ेगा, वरना वो लोग मीना को भी खो देंगे। इसलिए हेलसिंग का पहला शक ड्रैकुला के ऊपर जाता है, लेकिन उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, इसलिए हेलसिंग एक रास्ता निकालता है और अगली रात वो काफी शानदार पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में हर कोई इनवाइटेड था, जहां पर थॉमस भी था और ड्रैकुला भी। जिसे देखकर ड्रैकुला समझ जाता है कि शायद यहां पर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो थॉमस को प्लान समझा देता है कि गड़बड़ होते ही यहां से निकल लेना और मुझे मास्टर मत कहना। ड्रैकुला पिछली रात की तरह ही मीना के साथ डांस कर रहा था, लेकिन यही हेलसिंग का प्लान भी था। उन्होंने काफी बड़ा कांच सामने पहले ही लगवा दिया था, जिसमें ड्रैकुला की परछाई नहीं दिख रही थी, और ऐसा हमेशा वैम्पायर के साथ होता है। वहां खड़े लोग हैरान और परेशान थे, लेकिन ड्रैकुला को लग रहा था कि सब उसका डांस देखकर हैरान है। पर आखिर में ड्रैकुला को भी पता चल जाता है कि सब लोग उसे हैरानी से क्यों देख रहे हैं, इसीलिए वो फटाफट मीना को लेकर वहां से भाग जाता है। थॉमस भी मास्टर मास्टर चिल्लाता हुआ उसके पीछे भागता है, लेकिन गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। जोनाथन ड्रैकुला का पूरा घर छान लेते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता है, जिसे देखकर सब निराश होते हैं। पर हेलसिंग बोलता है कि हमें थॉमस को खुला छोड़ना होगा, वही है जो हमें उस तक पहुंचाएगा। यहां पर उसका ये प्लान कामयाब हो जाता है। थॉमस उन्हें ठीक वहीं ले जाता है जहां पर ड्रैकुला छुपा होता है। अब इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और ड्रैकुला भी बचा हुआ खून पीने की तैयारी कर रहा है, जिससे वो दोनों हमेशा साथ रह सके। लेकिन इससे पहले कि वो खून पीता, वो तीनों दरवाजा तोड़कर वहां आ जाते हैं, जहां उन तीनों के बीच में काफी घमासान लड़ाई चलती है, लेकिन हर तरफ से ड्रैकुला उन पर भारी था। आखिरी में वो लगभग जोनाथन को मारने वाला था कि तभी खिड़की से जरा सी धूप अंदर आने लगती है, जिसका फायदा हेलसिंग ने अच्छे से लिया ड्रैकुला को पीछे हटाने में। अब ड्रैकुला के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो चमगादड़ बनकर ऊपर छत में चिपक जाता है। लेकिन इसको देखकर ये तीनों चिंता में आ जाते हैं, पर चिंता की क्या बात जब थॉमस हो मास्टर के साथ। थॉमस छत पर ही बैठा होता है, जो अपने मास्टर की हेल्प करने के लिए थोड़ी सी छत खोल देता है, जिससे पूरी धूप अंदर आ जाती है और ड्रैकुला जलकर भस्म हो जाता है। उसके जाते ही मीना को भी होश आ जाता है, क्योंकि वो अब ड्रैकुला के कंट्रोल से बाहर आ गई है और एकदम ठीक है। जोनाथन उसे उठाकर वापस ले जाता है, लेकिन थॉमस अभी भी दुखी था क्योंकि उसका मास्टर मारा गया। वो उसकी राख को वापस से कॉफिन में डाल देता है, शायद उसी से उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। ये सब देखने के बाद डॉक्टर एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अब तुम बिल्कुल फ्री हो चुके हो और तुम्हारा कोई भी मालिक नहीं है, पर देखने से अभी भी ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि थॉमस कुछ समझा है। जिसके बाद हेलसिंग भी ड्रैकुला को एक आखिरी अलविदा कहता है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं
कि आपको ड्रैकुला की ये हॉरर कॉमेडी पसंद आई होगी।